हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी को बहुत अच्छी वाली गुड मॉर्निंग। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है दिल्ली में, और आई थिंक शायद दिल्ली के बाहर भी हो रही होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ बहुत बारिश हो रही है। बच्चों की छुट्टी का भी मैसेज आ गया था कि बच्चों की कल छुट्टी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश थी। मेरे बचपन के बाद में पहली बार मैंने अब देखा कि गली में पानी भरा हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा हो रहा था कि बहुत दिल कर रहा था मेरा भी नहाने के लिए। बस मैं नहाई नहीं क्योंकि जैन मेरे ही पास थे, तो इस वजह से। बाकी जैद दावर फर्स्ट टाइम नहाए बारिश में, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो बस बहुत देर तक वाली बारिश थी तो इसलिए मैंने भेज दिया, वरना तो रात में तो मैं बच्चों को भेजती भी नहीं क्योंकि बच्चे तो इतने सेंसिटिव होते ही हुई बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से दोनों ठीक हैं और बारिश में बहुत अच्छे से इंजॉय किया। तो आज बच्चे गए हुए हैं स्कूल और मैं अभी सोकर उठी हूँ, फेस वॉश वगैरह कर कर बस अभी ही बैठी थी तो मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो दानिश गए हुए हैं जैद दावर को स्कूल लेने के लिए, जैन लेटे हुए हैं वहाँ पर, और आज का जो व्लॉग स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो गाइज, आज के व्लॉग में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली हूँ मैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी हो गई है। तो गाइस, जिस ख्वाहिश की बात मैं कर रही थी वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बताऊंगी, मतलब इसी व्लॉग में बताऊंगी। तो बच्चे आ गए हैं स्कूल से और जल्दी से बच्चों को खाने वाने का इंतज़ाम करा है। तो आज खाने में बनी है भिंडी और कल बना था हरी मिर्च, नहीं हरा धनिया कीमा। तो एक झलक में वो भी दिखा दूँ और बच्चे खाना खा रहे हैं वो भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों को डेली व्लॉगिंग चाहिए थी, तो जो मैं कर रही हूँ वही दिखाऊंगी। और मैं ये सोच रही हूँ मेरा सरप्राइज़ ना नज़र आ जाए, तो सरप्राइज़ जो है ना घर में घूम रहा है, तो मुझे छुपाना पड़ रहा है कि व्लॉग में ना आ जाए वो किसी तरीके से। तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं बच्चों को खाना खिला रही हूँ। तो गाइज़, ये है हरा धनिया कीमा और ये है भिंडी, भिंडी की सब्ज़ी जो कि मुझे पसंद है लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, और जैद दावर खा रहे हैं खाना। और आज जैद दावर से मिलने कौन आया? मामी हन्नू। हन्नू का फ्रॉक कैसा हो रहा है? अले भैया मिला बच्चा। पप्पो की जान हो तुम? हैं ग्लास, सब बोलना आ रहा है बच्चों को। तो यहाँ चल रहा है खाना माशाल्लाह से, और रुकैया भी आई है यहाँ पे, और जैन ये रहे, जैन सो रहा है। तो गाइस, फाइनली अब मैं आपको बताने वाली हूँ, इस व्लॉग का सस्पेंस खोलने वाली हूँ कि कोई सरप्राइज है आपके लिए। मतलब गाइस, जो मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे बचपन की एक तरीके से ख्वाहिश पूरी हुई है, वो ये है कि मैं बचपन से चाहती थी कि मैं कोई भी चीज़ हो, जानवरों में कुछ भी हो, मैं वो पालूं अपना पर्सनल पेट। लेकिन बस हुआ नहीं ऐसा क्योंकि पापा को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती, तो इस वजह से मैं भी नहीं पाल पाई कभी भी कोई भी चीज़। तो एक्वेरियम था हमारे घर में, बहुत बड़ा एक्वेरियम था और उसके अंदर स्नेल और बहुत सारी तरीके की फिशेज थी, तो वो बहुत अच्छा लगता था मुझे। तो फिर शादी हुई, शादी के बाद बेबी बेबी बेबी, तो बस उसकी वजह से कभी मैंने ये सब चीज़ें की नहीं क्योंकि इन सब चीज़ों से भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है और फिर बच्चे तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, और माशाल्लाह से मेरे वाले जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो लेकिन अब वो दिन आ गया है फाइनली कि बस मैं कुछ दिन से थोड़ा सा परेशान सी चल रही थी, ऐसी बस कोई भी मसला नहीं है, थोड़ी सी बस तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही है और आज भी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग पे कमेंट भी पढ़ा किसी का कि आप ही आप काम किया करिए, वरना तो काम करने से मतलब एक्सरसाइज वगैरह होती है। और एक कमेंट और था कि आपने तो कुछ किया भी नहीं, आप मतलब कुछ काम करती भी नहीं है घर का, और उसके बाद भी आपको कमजोरी हो रही है। तो कमज़ोरी काम करने से या ना करने से नहीं होती, और मैंने नहीं कहा कि मुझे कमज़ोरी हो रही है, तो बस तबीयत बेहतर नहीं लग रही, तो फिर मैंने बता दिया बस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि
मैं फालतू के बहाने बना रही हूँ या कुछ कह रही हूँ आपसे। तो गाइस चलो दफा करो इन बातों को। अब आपको बताती हूँ मैं कि मेरे घर में दो नन्हे मेहमान आ चुके हैं और जिनका नाम है, नाम अभी बाद में बताऊंगी ठीक है, पहले मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ कि वो कौन है। तो गाइस ये है वो नन्ही मेहमान जिनसे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ माशाल्लाह से, और ये है एक और माशाल्लाह से ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारे है। मुझे या तो व्हाइट या फिर ग्रे कलर चाहिए था, तो माशाल्लाह से मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे ये ग्रे जोड़ा मिला, और ये माशाल्लाह से बहुत क्यूट हैं। और अब मैं आपको इनके नाम बताती हूँ गाइस कि इनका नाम है हुरैन, जो कि बहुत ही प्यारा सा नाम है, इनका बिल्कुल सूट कर रहा है, और इनका नाम है हुरेरा, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। तो ये दोनों बिल्ली एंड बिल्ला है और इनके नाम है हुरैन एंड हुरेरा। तो गाइज ये है बहुत प्यारी सी हुरैन और इनको, और ये बहुत ज्यादा मस्ती देख रहे हैं आप, इनकी शक्ल इतनी प्यारी सी, इतनी क्यूट सी। और ये है माशाल्लाह से हुरेरा। तो गाइज ये है वो हमारे नन्हे मेहमान और मेरे बचपन का सपना। माशाल्लाह से बच्चे बड़े हो गए तो अब इतना ये है कि मैं इनका बहुत ध्यान रखूंगी, बच्चों का रखूंगी और बच्चों से ज्यादा मतलब बच्चों का रखूंगी और इनका भी बहुत रखूंगी, क्योंकि ये तो बोल भी नहीं सकते, बेजुबान है। तो गाइज अभी इनकी वैक्सीनेशन वगैरह करानी है और बहुत ज्यादा मतलब मेरा दिल कर रहा है कि मैं ये लेकर आऊँ वो लेकर आऊँ, बहुत ज्यादा वो हो रहा है क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ माशाल्लाह से। तो बस आई एम सो हैप्पी, और क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो इस वजह से दानिश ने मुझे खुश करने के लिए ये काम किया। तो गाइज आपको एक चीज और बता दूं कि दानिश जो है उन्होंने कभी बिल्लियों को पसंद नहीं किया, वो कभी भी बिल्ली को पसंद नहीं करते थे, उन्हें अच्छी भी नहीं लगती थी। तो बस ये था कि मेरे खातिर वो ये बिल्लियाँ मतलब लेकर नहीं, मतलब उन्होंने मंगवा ली थी, क्योंकि कोई है जिनकी पेट शॉप है और वो पहले हमारे यहाँ काम भी करते थे, तो उन्होंने अभी अपना न्यू कारोबार किया है, काफ़ी साल हो गए उन्हें। तो जब भी मुझे कोई ऐसे दिल करता है तो अक्सर वहीं से दानिश कुछ भी मंगा कर दिखा देते हैं मुझे, और मैं थोड़ा बहुत खेल खाल कर वापस दे देती हूँ। तो ये बिल्लियाँ, चार बिल्लियाँ मंगवाई थी वहाँ से, एक वाइट थी, एक गोल्डन कलर था एक का, और दो बच्चे ये थे जो दोनों मतलब ये मेल फीमेल थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रे कलर का मेरा बड़ा मन था, तो इसलिए मैंने ये बिल्लियाँ पसंद की और रख ली। माशाल्लाह से इन्होंने आते इतना दिल जीत लिया कि मेरे लिए तो आसान था, लेकिन दानिश के लिए मुझे बहुत वो था कि दानिश को ये बिल्लियाँ बहुत पसंद आई, उन्होंने आते ही दानिश का दिल जीत लिया। उनके साथ में ही रहती हैं ज़्यादातर, दानिश काम करते वहीं बैठी रहती हूँ उन्हीं के पास, तो कुछ ऐसा सीन है गाइज। तो माशाल्लाह से मैं बहुत खुश हूँ और मुझसे ज़्यादा बच्चे बहुत खुश हैं, और इस वक्त भी फुल मस्ती हो रही है यहाँ पे, मैं आपको एक झलक दिखाना चाहती हूँ। तो गाइज देखो ज़रा, ये हुरेरा है और माशाल्लाह से ये हुरेरा को तो पता नहीं क्या होता है, एकदम डांस करने लगते हैं अपनी इससे। ये देखो जरा, ये इनकी मस्तियां हो रही हैं बहुत ज्यादा, माशाल्लाह से इतने क्यूट है। इनको पेन मिल गया क्योंकि दानिश यहीं पे काम कर रहे थे, तो बस दानिश यहीं थे तो ये दोनों भी यहीं बैठी हुई थी। ये देखिए जरा आप इनका वाह इतना ऊंचा ऊंचा उछल रही है ये, बहुत ज्यादा जैद लग तो नहीं जाएगी इनके। ये देखिए जरा, तीन दिन हो गए इनको हमारे घर में, माशाल्लाह से तीन दिन कैसे गुजर गए मुझे पता ही नहीं चला, और इनका मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि पहले मुझे व्लॉग बनाना था इनका। तो गाइज आप भी इनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ कीजिएगा कि माशाल्लाह से ये पर्शियंस हैं दोनों ही, और इनको नज़र वगैरह भी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये बस दोनों खुश रहें हमारे साथ, बहुत अच्छे से घुल मिल जाएं। और ये सारा इनका सेटअप रखा हुआ है, उस वाले बाउल में इनका पानी है और ये इनका दाना, और वो इनका लीटर रखा हुआ है मतलब जहाँ पे ये पोटी सुसु सारी चीज़ें कर रही हैं। और ये इनकी बास्केट है गाइज, क्योंकि ग्रे कलर था मेरी बिल्लियों का तो दानिश ग्रे कलर ही मंगवाई उन्होंने, कलर्स और भी थे, पिंक भी था, स्काई ब्लू भी था। ओए होए दब्बू बड़ा प्यार कर रहे हो। और गाइज आप इनका ये भी देखिए ज़रा, क्योंकि ये हुरैन है तो हमने इनका ये जो है इनका बेल्ट, इनका ये पिंक लिया है, और ये है हुरेरा, इन्होंने पहन रखा है स्काई ब्लू। दिखाना जैद, इधर लेकर आओ हुरेरा को, दिखाओ शोना। तो गाइज हुरेरा ने ये गले में पहन रखी है मोतियों की माला, क्योंकि
जो जहां जब ये आई थी तो हमें ये लग रहा था कि ये मतलब बिल्ली है, तो दुकान वाले ने भी यही बताया था जो भी शॉप पर था। तो गाइस जैसे कि आप इनकी शक्ल देख रही हैं, बिल्ला कहीं से भी ना लग नहीं रहा है, तो हमें कंफर्म हो गया था कि ये बिल्ली है, इतनी मासूम सी। तो फिर दानिश ने यूट्यूब वगैरह पे चेक किया और फिर वो सब चीज़ें, दानिश ने इनका जेंडर पता किया कि ये क्या है क्या नहीं है। तो हम इनको समझ रहे थे कि ये बिल्ला है, हुरैन नो हुरैन, हुरैन काटने लगी। अब परेशान नहीं करो जैन, जैद दावर, वो मुंह खोल रही थी मेरे बच्चे। तो हम इनको समझ रहे थे कि ये बिल्ला है, लेकिन ये निकली बिल्ली, और इनको समझ रहे थे हम कि ये बिल्ली है और ये है प्यारे से बिल्ले। मैंने सुना है कि बिल्ले ज्यादा खूबसूरत नहीं होते। एक मिनट से पकड़ना बेटा, इनकी शक्ल दिखाना जरा। देखिए गाइस ये कितने प्यारे हैं, और एक बारी ना जरा इनकी हुरैन की शक्ल देखो जरा, ये इतने क्यूट है माशाल्लाह से। और ये है हुरैन और ये है हुरेरा, हुरेरा हुरेरा बेटा ये प्यारा सा, और ये है बहुत प्यारी सी हुरैन बेटी। चलो 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 बस छोड़ दो जैद, पकड़ो नहीं मेरे बच्चे। तो गाइज ऐसा सीन है कि ये मोतियों की माला इसलिए पहन कर आई थी वहां से, क्योंकि जिन्होंने ये दिया है उनको ही कंफर्म नहीं है कि ये है क्या आखिर, तो हमने खुद ही पता कर लिया। और जैन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हो? मम्मा की फ्लैश ऑन क्यों की है मोबाइल की? हाँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हो तुम? अब ये पानी पियेंगी, हट जाओ चलो। और ये रही मैं, काफी हालत मेरी खराब है, बस क्या ही कहूँ मैं, बस इन बिल्लियों की वजह से बहुत एनर्जी अच्छी खासी आ रही है मेरे अंदर। ये देखो जरा इतना खुश है माशाल्लाह से, बहुत ज्यादा ये, और इनसे ज्यादा खुश मेरे बच्चे हैं, बहुत खुश है ना जैद, खुश हो मेरे बेटा? बिल्ली मुझे बहुत अच्छी लगती थी बचपन से। बचपन ही है मेरे बच्चे तुम्हारे अभी भी। जैसे मेरा दोस्त दोस्त उसके पास भी बिल्ली है, तो मेरे पास तुम लोग छोटे थे ना शोना, इस वजह से मम्मा ने पाली नहीं बिल्ली। हाँ। क्योंकि तुम छोटे थे ना, कोई बात अभी तुम घर में बच्चे। हाँ अब तुम भी ध्यान रखना मम्मा के साथ साथ। तो गाइस ये देखो जरा, इस लड़के ने कभी बिल्लियों को पसंद नहीं किया बिल्कुल भी, और अब ये इस कदर इसने हुरैरा ने इनका ऐसा दिल जीता है, क्योंकि हुरैरा ये है हमें बाद में पता चला है, हम इसे पहले हुरैन समझ रहे थे। हैं हाँ ये हरकतें भी तो ऐसी कर रही है, कर रहा है मतलब, बहुत ही ज्यादा क्यूट है माशाल्लाह से ना। कैसा लग रहा है दानिश तुम्हें ये है? तुमने तो कभी बिल्ली पाली भी नहीं, अच्छी भी नहीं लगती थी तुम्हें तो, है फिर ये इतनी प्यारी क्यों लग रही है तुम्हें? हाँ ये तो है माशाल्लाह से ना, ये है भी बहुत प्यारा ना। हाँ भाई हमारा हुरैरा क्या कर रहे थे? हाँ ये वाइप्स ऑर्डर कर देता हूँ अभी, है ना, फेस कल हम इसका थोड़ा सा सामान लेकर आएंगे, इसका शैम्पू परफ्यूम ये सारी चीजें आएंगी। चलो ऐसा कर लेंगे। नहीं मुझे जाना है पेट शॉप दानिश, मुझे वहाँ पे व्लॉग बनाऊंगी मैं पेट शॉप का ना, थोड़ा सा क्लिप लूंगी, वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। और यहाँ देखो जरा ये क्या कर रही है हुरैन, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है तुम्हें? ये हुरैन ना अपनी ही बेल से खेल रही है जो इनके गले में डली हुई है। कहाँ जाना है? और ये देखो जरा कैसे खुश हो रही है। कहाँ जाना दानिश तुम थे नहीं ना, तुम कारखाने गए थे इतनी देर से, तो ये तुम्हें मिस कर रहा था। नहीं दानिश इतना पास नहीं, ये डरेगा थोड़ी। देखो इसे देखो हुरैन को क्या कर रही है। हुरैन हुरैन आओ जैद, उठाइयो बेटा, पापा को दे इसको भी, पापा ले रहे हैं ना, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पापा ने कभी बिल्लियां ली नहीं। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है, वाओ बहुत अच्छी लग रही है ये। ये बिगड़ जाएंगी ऐसे पता, बहुत ऐसी हो रही है, कूटने वाली शक्ल हो रही है इसकी। हुरैन तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है हुरैन, इनको इनके नाम की आदत हो जाएगी ना, फिर इस वजह से मेरा हाँ सारा दिन ना मैं इसलिए इनके नाम लेकर ही पुकार रही हूँ। तो ये अपनी स्टिक से, ये अपनी स्टिक से ऐसे करके खेल रही है, देखिए जरा आप।
नहीं दानिश इस टाइम इन दोनों को खेलना, ये देखो लो कुछ नहीं पता इनको, ये देखो जरा ये देखो बाहर आ जाओ। नहीं दानिश वो इससे नहीं खेलनी है अभी, अभी आपस में ही खेलने को दिल हो रहा है इनका। चलो लो इनका खेलना देखो, ये सारी रात ना यही ड्रामा कर रहा है पता है तुम। लाइट का तार पकड़ना है। नहीं दावर नहीं, मेरी रिंग लाइट खराब करना चाहते हैं ये। आ जाओ दावर के अजैन, क्या हो गया कौन से स्टंट हो रहा है? जैन में भी बिल्ली आ गई। ये देखो जरा इनको, अल्लाह लग जाएगी हुरैन, लग जाएगी, चुप कर रही है इतनी। ओए अल्लाह क्या हुआ, जैन पे चढ़ के गई है, अल्लाह चढ़ा दो इसको, कोई चढ़ गया, अब इसको चढ़ना है हुरैन को। हट जाओ चलो, दोनों नीचे आ जाएंगी लग रहा है। ये देखो जरा अब इनकी हरकत है, नहीं माशाल्लाह से दोस्ती तो इनमें है। जैन तुम्हारे मुंह पे आएगी सीधा, हट जाओ। अल्लाह जैन को तो देख लो, दोनों हाथ दोनों पे फेरना, दोनों हाथ फेर रहा है मेरा बच्चा, जरा वो नहीं करेगा ना इंसाफी। चलो जैन आ जाओ, आ जाओ बैठने दोनों। बेचैन गिरी है, बेचैन तो जैद दावर वेट कर रहे हैं अपने खाने का, और आज जैद दावर को मिला सरप्राइज, तो बच्चों के लिए आई है आज कोल्ड कॉफी और चिकन पॉपकॉर्न। कैसा लगा? और क्या तुम दोनों के लिए मंगाए, रात पापा मम्मा पापा के लिए लेकर आए थे ना, तो तुम दोनों सो गए थे, तो हमें अच्छा नहीं लगा था, हमने खा तो लिए थे लेकिन हमने जब ही सोच लिया था कि हम आज तुम दोनों को भी खिलाएंगे, ठीक है, अच्छा किया। तुम भी खा लो। और जैन वेट कर रहा है, दोनों ने हैंड वॉश कर लिया तुमने? चलो हैंड वॉश जाओ कर कराओ जल्दी से, जैन ने नहीं करूँगी ना, डब्बू ने करे थे है ना। चाय और जैन को चाहिए चाय, जैसे कि आपको पता है मैंने बताया भी था कि पानी हो या चाय या कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक, हर चीज होती है जैन के लिए चाय। चाय शोना कैसी लगती है चाय? ऐसी ऐसी बोले भैया। और हुरैन एंड हुरैरा है अपनी बास्केट में, क्योंकि जब जब हम खाना खाते हैं उस टाइम उनको बंद करना पड़ता है। तो चलो बच्चों जल्दी से अपना चिकन पॉप को एंजॉय करो, मेरे तो बोलने में ही मुंह में पानी आ रहा है। और ये है बच्चों की कोल्ड कॉफी जो कि बहुत टेस्टी होती है सच में। चलो अच्छा जैद खाओ बेटा तुम भी। क्यों बीच वाली दुआ क्यों पढ़ रहे हो दब्बू? मैंने भी नहीं खाया तो मैं ये वाली पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाह ही वाला पढ़ा। कैसे है? टेस्टी टेस्टी। चलो जैन को क्या चाहिए? चाय। चलो तो गाइज अब बात करते हैं उनकी, जिन्होंने मेरे पिछले व्लॉग पे फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट किया, तो फिर से अगेन मोहम्मद लबीब इस आईडी से फिर से फर्स्ट लाइक एंड फर्स्ट कमेंट है, और आई थिंक ये तीसरी बार हुआ है कंटिन्यू, तो ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है, तो वेल डन गाइज। अब बात करते हैं उनकी, जो उनकी आईडी का कोई नाम नहीं है, मतलब यूज़र करके और बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स नंबर ये सब चीज़ें आ रही हैं। तो ये ओखला से हैं और इन्होंने अपने कमेंट में दानिश की सादगी का जिक्र किया है, तो मेरा दिल छू लिया आपने। तो इनका नाम है नाजमीन शेख, तो थैंक यू नाजमीन, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया और आपने दानिश के लिए बोला, मतलब वो काफ़ी सादा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू नाजमीन। तो गाइज अब बात करते हैं दूसरे अच्छे कमेंट की, तो इनकी भी यूज़र आईडी जो है उसका भी कोई नाम नहीं है और वही सब चीज़ें वापस से। तो इनका नाम है अर्शी और इन्होंने दानिश के लिए बोला है, काफ़ी सपोर्टिंग हस्बैंड है मेरे और हर लड़की को मतलब दानिश जैसा हस्बैंड मिलना चाहिए, तो हाँ मिलना चाहिए लेकिन इसके लिए मतलब लड़की भी मेरे जैसी होनी चाहिए, तो खैर ये मजाक था, मतलब हर लड़की का नसीब अच्छा हो, अल्लाह ताला सबका नसीब अच्छा करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो
थैंक यू अर्शी, आपकी सोच काफ़ी अच्छी है, आपका मैसेज मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने कमेंट में आपका नाम लिया और आपने लव यू कहा, लव यू आपी, तो लव यू टू अर्शी, थैंक यू। तो गाइज अब बात करते हैं तीसरे अच्छे कमेंट की, क्योंकि माशाल्लाह से इस व्लॉग में काफ़ी अच्छे अच्छे से कमेंट्स थे, तो मुझे लगा ऐसा कि मुझे लेना चाहिए ज़्यादातर सभी का नाम, तो बस ये तीसरा अच्छा कमेंट है और इनका मतलब कहना है, और इनकी आईडी का कोई नाम नहीं है, वही सबको यूज़र और ये सारे अल्फ़ाबेट्स वगैरह, तो इनका कहना है कि इनके बच्चे रोज़ इनसे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करवाते हैं मेरे व्लॉग पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके बच्चों का नाम है हमज़ा एंड हबीबा, तो बहुत प्यारे नाम है माशाल्लाह से आपके बच्चों के, और इनका खुद का नाम है रुखसार, और ये कहाँ से सहारनपुर से ये दिल्ली आकर इनके बच्चे जैद दावर से मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप कभी भी आ सकती हैं, बस बेहतर होगा कि आप आने से पहले मुझे इन्फॉर्म करके बताएं, तो इंशाल्लाह कभी मुलाकात करेंगे, और आने के लिए किसी के भी लिए कभी कोई मना नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और माशाल्लाह से आते भी हैं बहुत लोग मिलने के लिए। तो गाइज़ ये हुआ कमेंट का सिलसिला ख़त्म, माशाल्लाह से और भी बहुत सारे कमेंट्स थे जो अच्छे अच्छे थे, तो आप सभी का दिल से बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो गाइज़ आज का व्लॉग अब करते हैं हम यही ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए व्लॉग, क्योंकि मैंने ये सोचा है डेली व्लॉग करो, चाहे थोड़ा छोटा बना लो, लेकिन कोशिश है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूं। तो गाइस बस आज की वीडियो करते हैं यहीं पर पूरी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बहुत अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए। तो गाइस अभी तक मैं आपको बोलती थी कि दुआ में याद करिए, याद कीजिए, मतलब मैं हूँ, दानिश है, माशाल्लाह से मेरे तीन बच्चे हैं जैद दावर जैन, तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली में थोड़ा सा और इजाफा हो गया है, तो हुरैन और हुरैरा ये दो मेंबर और शामिल हो गए जो हमारी कैट्स हैं। तो गाइज इनके लिए भी दुआ करना कि माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से खुश है हमारे साथ, अच्छे से हमारे साथ में इनका दिल लग जाए, तो बस सबको दुआ में याद रखिए जैसे कि मैं आप सबको दुआ में याद रखती हूँ। तो गाइज खुश रहिए बस, अल्लाह हाफिज़।